सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना मैंने तुम्हें जो बताया था, मतलब जो हमारा लास्ट टॉपिक जो एंड हुआ था वो मैं तुम्हें मतलब कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका मैं तुम्हें डिफरेंस, मतलब कि डिफरेंस ही मैंने तुम्हें उसकी डेफिनेशन लिखवाई थी सिर्फ, ठीक है। मैं तुम्हें बता था कि जो मेरे पास व्यष्टि अर्थशास्त्र और जो समष्टि अर्थशास्त्र है, मैं तुम्हें इसके बारे में बता था। तो पहले मैं तुम्हें माइक्रो के बारे में, जिसको हम हिंदी में व्यष्टि बोलते हैं, इसके बारे में दोबारा बता रहा हूँ, समझो होता क्या है। देखो भाई, सबसे जो मेरे पास पहली चीज़ है वो ये होता है कि हम अगर कभी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मतलब समष्टि अर्थशास्त्र, उसमें हम किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, किसी व्यक्तिगत के बारे में बात करते हैं। और मैं तुम्हें व्यक्तिगत के बारे में बता चुका हूँ कि व्यक्तिगत क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है, ठीक है। कोई एक ग्रुप होता है, ठीक है, तुम्हारे साथ के और बच्चों को बस इतना बताओ, एक अकेले इंसान की बात चल रही है। और तुम्हारे पूरे बुक में इस तरीके से प्रेजेंट कर रखा है ना कि तुम्हें लग खुद लगेगा कि हाँ भाई एक इंसान के बारे में बात चल रही है, ठीक है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट था समष्टि अर्थशास्त्र, इसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है हम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हैं, पूरी इकोनॉमी को एक मान के फिर पढ़ते हैं। भाई तुम्हें इस पूरे चैप्टर के, मतलब तुम्हारी बुक कौन सी है, व्यष्टि वाली है, माइक्रो है, तो हम इसके आगे पूरा वही वही पढ़ेंगे, ठीक है। अब सुनो, तो मैं तुम्हें इसके जो जो भी हमारे पास डिफरेंस है उसके एक बार हल्की सी रीडिंग करके बता दे रहा हूँ क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। सुनो, मैं तुम्हें पहली डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन सबको क्लियर होगी, पहला पॉइंट सबको पता है डिफरेंस वाला, ठीक है। दूसरा, मैं तुम्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ रहा हूँ पहले हिंदी में, कह रहे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र मूल रूप से एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण से संबंधित होता है। देखो, और भाई इंग्लिश में क्या लिखा है मेरे पास, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद द डिटरमिनेशन ऑफ आउटपुट एंड द प्राइस ऑफ ए इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। देखो भाई, पहले मेरे दो यहाँ पे कुछ वर्ड है, मैं तुम्हें उसके बारे में बता दे रहा हूँ, यहाँ सुनो। पहले मैंने बोला फर्म, ठीक है, फिर बोला इंडस्ट्री, ठीक है। देखो, जो मेरे पास इंडस्ट्री है ना, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसको उद्योग बोलते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें इस वर्ड का मतलब पता लग जाता ना, तो तुम आगे तक मेरे को चैप्टर में परेशान नहीं करोगे, ठीक है। सुनो, मैंने बोला कि मेरे पास एक फर्म ये रही, एक फर्म ये रही, एक ये रही, ये रही, बहुत सारी फर्म है, ठीक है, छोटी छोटी फर्म, बड़ी बड़ी फर्म, ऐसे फर्म बहुत सारे, ठीक है। ये सारी की सारी जो फर्म है ना, ये मेरे पास है स्टील प्रोडक्शन, ये लोहे का उत्पादन करते थे इसे मान लो, ठीक है, लोहे से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबका उत्पादन करती हैं सारी सारी। मैं इसको अगर किसी एक को बोलता हूँ, मतलब किसी अगर एक को बोलूँगा उसको हम फर्म बोलेंगे, ठीक है, किसी अकेले को फर्म बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर दूँ इन सबको एक साथ देखना, उसे हम बोलेंगे उद्योग या फिर इंडस्ट्री, ठीक है। अब सुनो, मैं और बातें बोल रहा हूँ तुम्हें, जैसे हमारे पास से हमारी मार्केट है, ठीक है, हमारी मार्केट में आलू बिकते हैं, ऐसे ही पूरे इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ पे आलू बिकते हैं उन सबको अगर मैं एक साथ देखूँ, ठीक है, हम उसको बोलेंगे इंडस्ट्री, ठीक है। वैसे ही मान लो, देखो हमारे मार्केट में चिकन भी बिकता है, ठीक है, तो हमारी मार्केट में चिकन की दुकान और पूरे भारत के अंदर जितनी भी चिकन की दुकान है, हम उसको एक साथ देखेंगे ना, ये बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, चिकन की इंडस्ट्री है, ठीक है। फिर और बातें कर दूँ, मान के चलो कि टी सप्लाई, जो हमारे पास क्या है कि चाय पत्ती या फिर जो चाय है इसकी सप्लाई की बात कर दें, तो जहाँ जहाँ चाय की दुकान है इन सबको हम एक साथ कलेक्टिवली क्या बोलेंगे भाई, इंडस्ट्री बोलते हैं, उद्योग बोलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं उद्योग में। मैं तुम्हें इस वर्ड का मतलब बता दिया, ठीक है। अब सुनो, हाँ हाँ हाँ, मैंने स्टार्टिंग में व्यक्तिगत बताया था ना, इंडिविजुअल, हमें देखो इंडिविजुअल ही तो है। मैंने बोलता सारे सारे सेब खाने वाले लोग, ठीक है, सारे के सारे मान लो वाइन पीने वाले लोग, ठीक, वैसे पीना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अच्छा। तुम्हें एक बात बताए, जब यहाँ पे जब कोरोना हुआ था उस टाइम सबसे पहले कौन सी दुकान खुली थी सर, आप पता है क्यों, शराब पे 100% टैक्स होता है, जितने रुपए की बोतल है ना सरकार उस पर उतना टैक्स लेती है, ठीक है। पूरी दुनिया देखो, वैसे ना जितने भी इकोनॉमिक्स हैं उनको पता है कि शराबियों ने हमारा देश संभाल रखा है, ठीक। आगे ना मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ गुड्स बताऊंगा, वस्तु के प्रकार बताऊंगा, उसमें तुम्हें सारी की सारी बात बताऊंगा भाई क्या क्या बातें होती है, मतलब मजेदार होगा आगे साथ, ठीक है। सुनो, मैंने क्या बोला कि भाई हमारे पास जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसके अंदर हम क्या पता लगाते हैं, हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि एक जो फर्म है या फिर एक जो इंडस्ट्री है या फिर जो एक उद्योग है वो किस तरीके से अपना आउटपुट देखे कि भाई कितना उन्हें कितना उनको प्रोडक्शन करना है, ठीक है। फिर वो अपने प्राइस को कैसे डिसाइड करे, बात समझ आई। देखो जैसे मान के चलो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि एक मार्केट है, उस मार्केट में हर एक जना आलू के चिप्स बेच रहा है, ठीक। अब मैं क्या करूं, मैं बहुत सारे आलू के चिप्स बना लूं,
अब सारे कस्टमर मेरे पास थोड़ी आएंगे, तो मुझे पहले मार्केट देखनी पड़ेगी, उसके बाद चेक करना पड़ेगा भाई मेरा सामान कितना बिक जाएगा। बस मैं फिर अगली बात बोल रहा हूँ कि अगर मैं तुमसे ऐसा बोल दूँ कि भाई जैसे मान के चलो पूरी मार्केट है, ठीक, उस पूरी मार्केट के अंदर हर एक इंसान जो है वो क्या है कि मान लो जो चिप्स के पैकेट है वो 10 रुपये का एक बेच रहा है, क्या बोला मैंने, 10 रुपये का एक बेच रहा है, तो अब मेरे को प्राइस भी देखना पड़ेगा अपना। अगर मान के चलो, देखो मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, वो 10 का बेच रहा है, अगर मैं 12 का बेचूंगा सेम चीज़ बेचूंगा, कोई लेगा मेरे से? कोई नहीं लेगा। तो मान लो तुम मार्केट जा रहे हो, ठीक, साइड में एक आलू बेच रही है आंटी और उसके साइड में एक और आंटी आलू बेच रही है, दो जने आलू बेच रहे हैं, ठीक है, ये बेच रही है 15 रुपये किलो और बेच रही है 20 रुपये किलो, और डिट्टो सब सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, 15 वाले पे जाएंगे ना हम, तो बात समझ में आ गई। तो ये मेरे पास क्या है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो मेरे पास व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके अंदर ये देखा जाता है कि किसी भी चीज़ का प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक, कैसे पता लगाया जाएगा। उसके बाद अगली बात करते हैं, हमें कितना आउटपुट निकालना चाहिए, कितना की पैदावार करनी चाहिए, ये देखा जाता है किसका भाई, किसी एक फर्म या फिर किसी एक इंडस्ट्री का। लेकिन अगर इसके अपोजिट बात करें मैक्रो के अंदर, समष्टि अर्थशास्त्र में क्या कह रहा है, इसमें समष्टि अर्थशास्त्र मूल रूप से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा असामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है। देखो मैंने इसमें क्या बोला, माइक्रो में कहा था कि इसमें किसी एक फर्म या किसी इंडस्ट्री, उसमें हम उसके आउटपुट और उसके प्राइस की बात करते हैं, उसके उत्पादन और उसकी कीमत की बात करते हैं कि भाई कैसे डिसाइड किया जाएगा। अच्छा मैं तुम्हें ना इसको थोड़ा और बताऊँ डिटेल में, मेरे ये बताता हूँ कि अगर मैंने बोला ये 10 का बेच रहा है, ये 10 का बेचेगा ना, अगर कोई भी एक कम करता है ना, पता क्या सीन होगा, दिक्कत आती है मार्केट में। तो मैं एक बात और बोलता हूँ, मार्केट में हम जाते हैं, तुम ना कहीं भी जाके पता करना, अगर एक कोई जना 10 रुपये का 4 मोमोज दे रहा है, उसका पड़ोसी अगर उसके मोमोज सेम है वो 10 के 4 ही देगा, बस मारिए, जो उसका पड़ोस 10 के 4 ही देगा उससे कम नहीं देगा। भाई कहाँ फेंक रहे हो, सुनो ये बस मैं आ गई। अब पता है ऐसा क्या होता है, अगर मान के चलो कि उसका पड़ोसी 10 के 6 दे दे, या फिर मान के चलो वो कह रहा है मैं 8 के 4 दे रहा हूँ, बस नहीं, वो क्या बोलते कि मैं 8 के 4 दे रहा हूँ, इस केस में पता क्या होगा, वो जो दूसरा वाला वो भी कम करेगा ना, फिर वो भी कम करेगा। तो पता है ऐसे कम करते करते दिक्कत आ जाएगी दोनों को, और भाई अब तो कॉस्ट भी निकल ली, तो कोई नहीं बेटा कोई नहीं। सुनो मैंने क्या बोला कि वो ऐसे धीरे धीरे करके कम करते रहेंगे, तो एक कम करते करते पता क्या होगा, दोनों को दिक्कत आएगी। अब जब भी प्राइस, अच्छा यहाँ पे प्राइस को लेके कंपटीशन हो रहा ना, तो जब भी प्राइस को लेके कंपटीशन होता है ना, इसको ना हिंदी में बोलते हैं गला काट प्रतियोगिता, क्या बोलते हैं इसे, ठीक है, थॉट कट कंपटीशन बोलते हैं। मैं तुम्हारे बुक में लिखा हुआ दिखा दूंगा, ठीक है, तो बोले अपन क्या क्या बोले जा रहे हो, जब ना टाइप ऑफ मार्केट में पढ़ेंगे ना, बोलते हैं गला काट प्रतियोगिता, थॉट कट कंपटीशन बोलते हैं इसको। पूछना किससे भी भाई, जो ठीक ठाक टीचर होंगे ना उन्हें पता होगा कि भाई होता क्या है। सुनो तो मैं अगली बातें पता लग गई इसमें क्या है, तो हम प्राइस सब जगह सेम रखेंगे। लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर दें, मैंने क्या बोला कि माइक्रो के अंदर क्या होता है, वेस्टी में क्या होता है, कोई एक फर्म या कोई इंडस्ट्री, ठीक है, एक कोई फर्म या फिर कोई सा उद्योग। लेकिन अगर इसके आगे की बात करते हैं, अगर इसके नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, हम समष्टि में पहुँचते हैं, मैक्रो के अंदर अगर पहुँचते हैं, वहाँ पर हम पूरे इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, पूरी हमारी अर्थव्यवस्था में उसको एक मान के जितना भी उत्पादन होगा उसके प्राइस को और कितना उत्पादन करना चाहिए उसके बारे में सोचते हैं हम, हाँ सब कुछ को लेके चलते हैं भाई, कितना उत्पादन होना चाहिए और कितना हमारे पास क्या उसका प्राइस क्या होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ कि अगर हमारे देश के अंदर उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हुई, ठीक है, प्रोडक्शन होने के बाद ना पता है कि ना बात आएगी, अच्छा ये बात, जितनी भी प्रोडक्शन होती है ना, जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक कोई सा गुड्स है, इसका फाइनल प्राइस 10 रुपये, ठीक, मेरे पास कोई से भी गुड्स है, इसका चलो ए नाम ले लो, इसका नाम क्या ले लो भाई ए, और ऐसे मेरे पास बहुत सारी वस्तु होंगी, हमारे पूरे भारत में ऐसे बहुत सारी वस्तु होंगी ना, तो इसके इन सब के जितने फाइनल प्राइस है ना, पता है फाइनल प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं क्या बोलते हैं उसे, फाइनल प्राइस। तो इस फाइनल प्राइस पे भाई अगर हम हमारे भारत में जितने भी सामान हैं अगर सबको जोड़ दें, एक साथ सबके प्राइस को जोड़ दें, इसी को बोलते हैं GDP, बस हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, तो इस बात को थोड़ा याद रख के चलाऊँ।
तो बताओ भाई, मैंने क्या बताया कि माइक्रो के अंदर क्या होता है, किसी एक फर्म या किसी इंडस्ट्री के आउटपुट और प्राइस को डिसाइड करते हैं। जो मेरे पास वेस्टी है उसके अंदर किसी एक फर्म या किसी एक उद्योग, उसमें कितना उत्पादन किया जाएगा, ठीक है, और उसका उसकी जो कीमत है वो कितनी रखी जाएगी, ये इसमें डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्रो में क्या होता है, पूरे इकोनॉमी एज अ होल का देखते हैं, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास कह रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह धारणा है कि समष्टि मतलब कि चर स्थिर रहते हैं। देखो भाई यहाँ पे कह रहे कि इसका एग्जांपल देखो, जब एक व्यक्ति फर्म या उद्योग में उत्पादन था फर्म की कीमत निर्धारित का अध्ययन किया जाता है तो यह मान लिया जाता है कि कुल उत्पादन स्थिर रहता है। सुनो भाई, इंग्लिश में सेम लाइन लिखी है, कह रहे कि जो हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट, भाई जो स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना वो ये एज्यूम कर लेता है, वो मान लेता है कि मैक्रो वेरिएबल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जो पूरा हमारा जो देश है ना वो कॉन्स्टेंट रहेगा, इसमें माना जाता है। जैसे देखो मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि अच्छा तुम्हें वो प्राइस और वो वाला याद है, क्वांटिटी वाला, मैंने कहा था सुनो प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम होगी और प्राइस कम तो क्वांटिटी बढ़ेगी, ऐसा होता है ना। अच्छा अगर मुझे बताओ कोरोना आ गया तो इस सेम चलेगा क्या? मैंने देखो तो इसमें एक बात, इसमें एक बात बोली जाती है, जब अन्य चीज़ें सेम रहती है, जो मेरे पास जो मैक्रो के फैक्टर जो है ना, मैक्रो वेरिएबल अगर वो मेरे पास कांस्टेंट रहते हैं, मतलब कि हमारी दुनिया में कुछ और बदलाव नहीं हो रहा, ये रूल तभी काम करेगा जब दुनिया में कुछ और बदलाव नहीं हो रहा है, समझे कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे प्याज की बात चल रही है, ठीक है, तो प्याज के प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी कम होगी, ठीक, फिर प्याज के प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ऐसा है। अगर मैं इसको नमक पे लेके जाऊँ ना, चलो नमक छोड़ो, मैं कह रहा हूँ शराबी की बात करता हूँ, मैं अल्कोहल की, एक शराबी है, ठीक है, प्राइस क्वांटिटी, तो जैसे मान लो यहाँ पे 10 था तो पहले वो एक बोतल लेता था, मान लो 10 रुपये का है तो एक बोतल ले रहा है, अगर बताओ ये 100 रुपये का होगा तो बोतल कम करेगा नहीं करेगा, 100 रुपये की, एक ना अपने अपने कॉमन सेंस से बोलना, चलो मैं कह रहा हूँ 4 बोतल लेता था, जब 10 थी 4 बोतल लेता था, अब बताओ प्राइस 100 हो गया, वो कम करेगा नहीं करेगा? देखो पता है तुम सब ना ये चीज़ ना एज्यूम नहीं कर पा रहे हो, ठीक, देखो मैंने पढ़ा है, मैंने ये बोला कि भाई हमारे पास प्राइस एक दारू की बोतल है, ठीक है, उसका प्राइस 10 है, ठीक है, तो वो शराबी 4 बोतल खरीदता था, ठीक, अब इसका जो प्राइस है ना बढ़ के 10 से 100 हो गया, बताओ उसको कम करेगा या नहीं करेगा? भाई एक बार ध्यान रखे चलना, वो शराबी है, ठीक है, शराबी कभी पीना, वो भले अपनी बीवी का गहना बेच देगा लेकिन लेके 4 ही बोतल आएगा, उसको आदत लग चुकी है। तुम क्या बोलो, मैं चलो छोड़ो, बोलना नहीं चाहिए। देखो कभी भी ना तुम एक बार पता लगा के देखना, मान लो एक कोई गुटखा खाने वाला इंसान है, अगर वो दिन की 4 पुड़िया खा रहा है, प्राइस भले आसमान पहुंच जाए वो खाएगा जरूर। पता है कोरोना टाइम पे सबसे ज़्यादा गुटखा बिका है, लोग जो है राशन लेने के लिए बाहर नहीं जा रहे, वो गुटखा लेने के लिए बाहर जा रहे थे, मैंने खुद देखा भाई। तो ये चीज़ें होती, देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि, देखो मैंने कहा कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी बाहर के वेरिएबल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। देखो मैंने कहा अगर कुछ बाहर चेंज होता है, मतलब बाहर कुछ चेंज होगा तो इफेक्ट पड़ेगा इस वाले, ये प्याज की बात चल रही है, ठीक है, चलो मैं फल की बात करता हूँ, फ्रूट्स की बात करता हूँ, ठीक है, ये वाली बात किसकी, फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स के टाइम पे क्या होगा कि अगर मेरे पास मान लो नॉर्मल चीज़ चल रही है, अगर नॉर्मल बातें चल रही है ना, तो नॉर्मल केस में हमारे पास है, ठीक है, अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम कर देते हैं, ठीक, मेरे पास प्राइस कम और क्वांटिटी बढ़ा देंगे, ये नॉर्मल डेज में है। लेकिन अगर मान के चलो कि फुल कोरोना काल चल रहा है, लोगों के पास पैसा बहुत कम है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए पैसा है, तो अब पता क्या होगा, प्राइस मान लो बढ़ रहा है तो देखो क्वांटिटी कम होगी, नॉर्मली बात है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल से बात करता हूँ, प्राइस कम भी कर देंगे ना तो लोग क्वांटिटी बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, सेम की सेम क्वांटिटी रहेगी, वही क्वांटिटी रहेगी। देखो पैर 10 का था, ठीक है, 10 के टाइम पे मान लो उसने वो जो है ना 4 किलो खरीदा था मान लो, लेकिन अगर मान के चलो मेरे पास ऐसा होता है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो मैं नई चीज़ एक ना नया एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक, पहले ऐसा था लोग 10 का 2 लेते थे, ठीक, अच्छा बताओ प्राइस कम होने पर क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, प्राइस कम होने पर क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन टाइम का चल रहा भाई कोरोना का, ठीक है,
अगर कोरोना का टाइम चल रहा है भाई, मैं अगर इसको ना 5 भी कर दूंगा ना, इसको मैं 2 चलो 4 भी कर दूंगा, तो भी क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं बस भाई, जो इसकी मात्रा है नहीं बढ़ेगी वो, क्योंकि लोगों को सिर्फ जिंदा रहना है। ठीक, तो सेब खा के क्या करेंगे, वो अनाज खा के खुश है। ठीक, तो मैं सीधे कह रहा हूँ कि जब भी देखो इसमें क्या लाइन लिखी हुई है कि देखो स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमी एज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। उसने बोला ना कि जो मैक्रो वेरिएबल है कॉन्स्टेंट रहेंगे, बाहर कुछ चेंज नहीं होगा, कोरोना वरोना नहीं आना चाहिए। अगर बाहर कुछ चेंज नहीं, देखो माइक्रो में जब भी पढ़ते हैं ना हम, जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूल पढ़ेंगे, तुम इस बात को ना थोड़ा मान के चलो, पूरी बुक में ये बातें बोलूँगा मैं, पूरी बुक के अंदर ये बात बोलूँगा कि जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम उसमें जो मैक्रो वेरिएबल है उसको कॉन्स्टेंट मानेंगे। जब भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो हम ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, कोरोना आना, अकाली आ जाना, हम इन सबको नॉर्मल मान के चलेंगे। हम बोल देंगे दुनिया में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, उसके बाद जाके पढ़ाई करते हैं इसकी। ठीक, समझ में आई बात? मैंने नॉर्मल ऐसा बोला कि देखो हम जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जब भी मेरे पास जो व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, इसमें हम सब कुछ को नॉर्मल मानेंगे। हम कुछ नहीं मानेंगे भाई आग लग गई, कोरोना आ गया, बाढ़, ऐसा कुछ नहीं मानेंगे, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। ठीक है, सुनो उसके बाद साइड वाले मेरे पास दूसरा पॉइंट है, कह रहे समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह धारणा है कि व्यष्टि चर स्थिर रहते हैं और उसमें ये मानते हैं कि छोटे वाले मेरे पास रहेंगे नॉर्मल। अगर देखो मैंने बोला माइक्रो पढ़ रहे हैं तो मैक्रो कॉन्स्टेंट रहेगा, और अगर मैक्रो पढ़ रहे हैं तो माइक्रो कॉन्स्टेंट रहेगा। मैं ऐसा बोला हूँ कि अगर व्यष्टि पढ़ रहे हैं तो समष्टि मेरे पास स्थिर रहेगा, और समष्टि पढ़ रहे हैं तो व्यष्टि स्थिर रहेगा। इन बातों को थोड़ा मान के चलो। ठीक है, फिर भाई लास्ट का पॉइंट है, इसमें तुम्हें एग्जांपल बता रखा है, इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अब सुनो एक नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, हेडिंग हमारे पास है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, हिंदी में वास्तविक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, वास्तविक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। वास्तविक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, सुनो भाई हमारे पास हेडिंग डाली तुमने, सुनो देखो भाई होता क्या, पहले सबसे पहले हम बात करेंगे, एक ना उसके नीचे छोटी सी हेडिंग डालो, जैसे पहले बड़ी हेडिंग डाल ली तो उसके नीचे ना पहला पॉइंट डालो, और उसके पहले पॉइंट के अंदर लिख लो तुम्हारे पास जिसको बोलेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वास्तविक अर्थशास्त्र। सुनो भाई होता क्या है, हमारे पास जो पहले पॉइंट की अगर बात कर देना, मैंने क्या बोला भाई कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, भाई इसके ना वैसे ज़्यादातर 1 से 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आते हैं तुम उसको जिसने इसको नहीं समझा ना वो उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन इसके ऐसे आते हैं जो इसको नहीं समझ रहा वो बोले हाँ ठीक है याद कर लेंगे, तो उसको कर नहीं पाएगा। देखो हमारे पास क्या होता है, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है जिसको हम बोलते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र, इसके अंदर हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कतें होती हैं या फिर कोई भी टॉपिक होता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, मतलब बोलते हैं वर्तमान, भूत और भविष्य, इन तीनों में से समझ लो बीता हुआ काल, अभी वाला समय और आने वाला जो टाइम है, इन सब से रिलेटेड कोई सा टॉपिक होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ कोई ना कोई सा टॉपिक होगा, हाँ कोई सा मुद्दा हो सकता है, वास्तव में क्या बोल रहा हूँ। तो देखो अच्छा मुझे ना कोई से भी तुम बातें बता सकते हो क्या, हो सकता है बुक में पढ़ के भले बता दो, कोई से भी बातें ऐसे बता दो जो हमारे पास पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का हो। अब सुनो पिछला देख लिया, अभी का देख लिया, कंपेयर होगा दोनों, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं। देखो और अगला पढ़ो एग्जांपल, दूसरा पॉइंट पढ़ो, दूसरा पॉइंट, देखो लिखा हुआ है ना, मैंने क्या बोला, या तो पिछला होगा, अभी का होगा, या आने वाला आगे होगा। अब देखो किसी ने मनरेगा के बारे में सुना है, मनरेगा, हाँ मतलब कि महात्मा गांधी की जो रोजगार प्रदान करने की योजना थी। ठीक है, अब सुनो उसमें क्या था,
उसमें कहा था भाई, महात्मा गांधी ने कहा था कि इसको चलाया जाए ताकि लोगों को भविष्य में नौकरी मिलेगी, बात समझ आई। फिर मोदी ने भी प्लान चलाया, मोदी ने क्या कि लोगों को नौकरी जो देने के लिए चलाया, और उसने एक और बोला सेल्फ इंडिपेंडेंस कुछ कहा था। तो अब जैसे मान के चलो कि केजरीवाल है, केजरीवाल ने क्या बोला कि हम अपने अगर स्कूल को अच्छा बनाएंगे, टीचर अच्छे रखेंगे, तो हमारे बच्चे क्या है आगे भविष्य बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आगे की बात है, बात समझ आई। तो तुम्हें ना पता होना चाहिए भाई पहले की है, अभी की है या आगे की बात है। तो अगर इन तीनों से रिलेटेड कोई सा मुद्दा आ जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, नॉर्मल सी बात है, हम बोल देंगे इसके मेरे पास कौन से भाई है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, वास्तविक अर्थशास्त्र। इसके अंदर लिखना शुरू करो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इकोनॉमिक इशू। स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इशूज रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। भाई एक बात और ध्यान रख के चलना, तुम्हें स्टार्टिंग से सारी बात याद करके चलनी है, जो भी तुम लिखवाया जा रहा है, फिर तुम्हें जो बोल रहा हूँ भाई इस बात को कर लेना कर लेना, तो वो सारी की सारी चीज़ तुम्हें साथ में याद करनी है, वरना एग्जाम कब आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। सुनो हिंदी में लिख लो भाई, वास्तविक अर्थशास्त्र, वास्तविक अर्थशास्त्र भूत वर्तमान तथा भविष्य के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है, सुनो मैं तुम्हें तीनों के एग्जांपल लिखवा रहा हूं, एक तो प्रेजेंट पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, तीनों लिखवा, ठीक है, मतलब कि भूत वर्तमान भविष्य तीनों का एग्जांपल लिखवा रहा हूं। भाई पहला पॉइंट डाल लो, पहला तुम्हारे पास है रिलेटेड टू पास्ट, पहले डाल लो रिलेटेड टू पास्ट, और जैसे हिंदी में लिख लो भूतकाल से संबंधित, पहले इंग्लिश वाले उसके अंदर ऑन द ईव ऑफ, हाँ ईवी, इसका पता मतलब क्या होता है, ऑन द ईवी का मतलब है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये होता है मतलब आज़ादी के समय। सुनो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पॉवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। स्टार्टिंग से बोलना है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, भाई थोड़ा लिखने की ना स्पीड बढ़ाओ तुम तीनों, बहुत दिक्कत तुम्हें। सुनो हाँ भाई मैंने बोला था कि पॉजिटिव, एक मिनट, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पॉवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नाउ, और हिंदी में लिख लो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, भारत में निर्धनता से प्रभावित, जनसंख्या का प्रतिशत आज की तुलना में अधिक था। ये बातें पता करिए भाई, इसके ना जो जो मेरे पास जो सेकंड पॉइंट है लिख लो, इसे थर्ड सेकंड पॉइंट को रिलेटेड टू प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब कि वो वर्तमान से संबंधित। लिखो इंग्लिश में 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर, और हिंदी में लिखो भाई भारत की 22% जनसंख्या निरपेक्ष रूप से निर्धन है। पता है निर्धन का मतलब गरीब होता है, इज एब्सोल्युटली पुअर। भारत की 22% जनसंख्या निरपेक्ष रूप से निर्धन है। इसका थर्ड पॉइंट लिख पाओगे फ्यूचर के बारे में, जैसे मान लो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई मनरेगा योजना के अनुसार,
मतलब उसको मगनरेगा बोलते हैं वैसे, ठीक है, मगनरेगा योजना के अनुसार भविष्य में लोगों को नौकरी प्राप्त होगी, इसको ले सकते हैं आराम से, ठीक। वरना फिर तुम्हारा बुक का भी नॉर्मल सा है देखो, वरना इसमें जो तुम्हारी बुक में लिखा है कि अगर अगर इसी तरह से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती रही तो 2025 में हमारे देश की जनसंख्या अभी से डबल हो जाएगी, ये मान के चलो, ठीक है। चलो इसमें लिखी लो, थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू फ्यूचर, नहीं नहीं फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के बारे में बोला हमें फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, हाँ। नहीं अब देखो कंफर्म के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, हाँ एक तरीके से, हाँ वही मान लो अनुमान लगा रहे हैं। देखो इफ पॉपुलेशन इन इंडिया कंटिन्यूज टू ग्रो एट द एग्जिस्टिंग रेट then continuous हाँ continuous to grow at the existing rate then percentage of population below poverty line will exceed 22% in the year 2025 देखो भाई हिंदी में, यदि भारत की जनसंख्या वर्तमान दर से बढ़ती रही, ये समझ में आ रहा, तीन पॉइंट से लिखवाया मैंने नॉर्मल से, ये बात है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। यदि भारत की जनसंख्या वर्तमान दर से बढ़ती रही तो वर्ष 2020 में, अच्छा हाँ भाई तुम 2025 लिखना थोड़ा आगे आगे बढ़ा के, मैं तो 2025 में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या 22% से अधिक होगी। बताओ भाई तुम्हें वाली बातें पता लगी? देखो अब ना तुम्हें, जैसे तुम पता, तुम्हारे एग्जाम में से क्वेश्चन कैसे आते हैं, तुम्हारे एग्जाम में ना स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी तो पूछे बताओ भाई कि ये जो हमारे पास है ये किस टाइप की इकोनॉमी है। एक तुम्हारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाएगी, फिर तुमसे पूछे बताओ ये किस टाइप की इकोनॉमी है, और तुम एग्जैक्टली तभी बता पाओगे जब तुम्हें इसके फीचर्स पता होंगे। बस मैं आ रही है, देखो मैं तुम्हें इसका पहले ना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने बोला कि मेरे पास एक कैमरा है, ठीक है, जिसके पीछे एक ना कटा हुआ एप्पल लगा है, कौन तो मेरे पास बताओ कि कौन सा कैमरा है, एप्पल का हो जाएगा ना इस तरीके से। वैसे को होता है एप्पल कैमरा है नहीं, फिर चलो मैं ऐसा बोलता हूँ मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक, जिसका एक तरीके से मान लो वेट जो है 2 पॉइंट कुछ ग्राम है, ऐसा मैंने बोल दिया। तो अब जिस कंपनी का होगा हम पहचान लेंगे ना, अगर मेरे को फीचर्स पता होंगे इस कंपनी के। तो चलो मैं तुमसे अगली बात बोलता हूँ। मैंने बोला मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक, जिसके पीछे कटा हुआ एप्पल लगा है, तो मुझे किसके फीचर्स हैं, एप्पल की मोबाइल कंपनी के, ठीक। मैं अगर ऐसी बहुत सारे को मैं एग्जाम्पल दूँ, मैंने बोला एक मोबाइल है जिसके अंदर ना दो, एक छोटा हाथ और एक बड़ा हाथ ना आके मिलते हुए दिखते हैं, जब भी स्क्रीन ऑन होती है, जब मतलब कि ऑफ से ऑन करते हैं ना, तो एक छोटा हाथ और एक बड़ा हाथ का हैंडशेक करते हैं, नोकिया, पहचान गए ना। तो ये क्या उसके फीचर्स हैं, ये उनकी विशेषता है। तो अगर हमें विशेषता पता होती है तभी जाके हम बता पाते हैं, वरना तो भाई ऐसे बैठे रहेंगे, ठीक। हेडिंग डाल लो इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट। और हिंदी में है वास्तविक कथनों की विशेषताएं। अब सुनो, सबसे पहला पॉइंट डालो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट वाज कोमा
इज द इकोनॉमिक्स ऑफ वॉट वॉज कोमा वॉट इज एंड वॉट वुड बी एंड वॉट वुड बी वॉट वॉज कोमा वॉट इज एंड वॉट वुड बी वॉट वुड बी. सुनो मैंने क्या बताया इसमें कि हम एक इस वाली इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं कि क्या था क्या है और क्या होगा. ठीक है ये तो है. देखो मैं हिंदी में एक बार हिंदी में पहला पॉइंट डाल लो. अरे तुम कहाँ पे हो इज है वो. सुनो हिंदी में लिखना है वास्तविक अर्थशास्त्र क्या था क्या है तथा क्या होगा से संबंधित है. क्या था क्या है तथा क्या होगा से संबंधित है. अब भाई हम ना वो सारे के सारे पॉइंट पढ़ने वाले हैं जिससे मैं तुम्हें कभी भी कोई से भी स्टेटमेंट बोलूंगा ठीक तो तुम पहचान जाओगे आराम से. ठीक है अब सुनो. तो पहला मेरे पास इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो डाल लो. इट इज रिलेटेड टू मॉनेटरी इशूज. इट इज रिलेटेड टू मॉनेटरी इशूज. हाँ भाई मैंने क्या बताया कि हमारे पास ना ये मॉनेटरी होना चाहिए. पहली बात क्या मॉनेटरी हो. अच्छा मैं ऐसा बोल दूँ देखो जैसे अच्छा मॉनेटरी ना हमारे देश पे पड़ने वाला फर्क. देखो मुझे बताओ जनसंख्या बढ़ रही है हमारे देश के पैसे फर्क पड़ेगा पड़ेगा आराम से जो देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी. अच्छा तुम्हें बताया हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है इस टाइम क्या हो रहा है. जैसे मान लो जो मुस्लिम लोग हैं ठीक वो पर मुस्लिम पे ना 12 से 13 बच्चे हैं जहाँ तक देखो कम से कम 5-6 तो हैं कम से कम है इतने. लेकिन अगर वैसे ही बात और जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो भी पर पे 5-6 कर लेते हैं 5-6, 7-8-9 ऐसे जितने भी उनके बच्चे हैं. अब तो इससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है. जैसे मान के चलो जहाँ पे एक फैमिली अगर 2 बच्चे सिर्फ करती तो सिर्फ खर्चा कितना होता 2 जने का. अब ऐसे मान लो 9 जने ठीक है तो 7 जने का बढ़ गया तो इससे क्या हमारी इकोनॉमी डाउन होती है. ठीक है सुनो अब इसका सेकंड पॉइंट लिख लिया हिंदी में. यह आर्थिक मुद्दों से संबंधित है. थर्ड पॉइंट डालो. दीज स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन दीज स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स. हाँ भाई इंग्लिश और हिंदी में लिखो एक बार. यह कथन तथ्यों तथा आंकड़ों पर लिखो हिंदी में. यह कथन तथ्यों तथा आंकड़ों पर आधारित होता है. अच्छा भाई मुझे बताओ मैंने इसमें थर्ड पॉइंट लिखवाया कि हम तथ्यों तथा आंकड़ों पर आधारित होता है. मुझे बताओ कि ऐसे हम कभी तुक्का भेड़ के थोड़े बोल सकते. जैसे मैंने इसमें लिखा है कि अगर इसी रेट से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती रही ठीक तो 2025 में हमारे देश की जनसंख्या कभी डबल हो जाएगी. मैंने ऐसा बोला मान लो तो मैं किस बेस से बोल रहा हूँ. तो ये आंकड़े होंगे ना डाटा के बेस से तो बोल रहा हूँ. ऐसा नहीं ऐसे तुक्का भेड़ दिया अरे भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा देश एक दिन अमीर हो जाएगा ऐसा उन्हें मानेंगे. तो हम अगर कुछ भी बोलते हैं वो सारी सारी बातें होगी फैक्ट के बेस पे होगी. ठीक है ये नहीं कि अभी तुक्का भेड़ना मतलब इकोनॉमिक्स का तुक्का भेड़ना चलता नहीं है. सारी की सारी बात डेटा के बेस से बोली जाती है वरना मतलब आंकड़ों के बेस से बोलते हैं वरना बोलते ही नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट डालो उसमें. दीज स्टेटमेंट आर वेरीफाइबल. इसको वेरीफाइबल भी बोल सकते हैं वेरीफेबल फॉर ट्रूथ. नॉर्मल सी बात है इसको हम इनकी जांच कर सकते हैं. देखो भाई हिंदी के अंदर इन कथनों वेरीफेबल फॉर ट्रूथ. हिंदी में लिखो भाई इन कथनों की सत्यता को जांचा जा सकता है. इन कथनों की सत्यता को जांचा जा सकता है. देखो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे तुम्हें नॉर्मल सी बातें बताओ. अगर मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई मैंने बोला कि भाई अगले साल देखियो पक्का ना मतलब कि बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ेंगे ऐसा बोला मैंने किससे कि मैंने कहा हाँ भाई बढ़ेंगे. मैंने बोला कि अगले साल देखियो भाई पक्का ये जो आज जो दारू बिक रही है 40 रुपए की
देखियो अगले साल पक्का 80 रुपये की हो जाएगी। ठीक, अब मैं तो का तो भेड़ूंगा नहीं, मेरे पास क्या, पहले तो फैक्ट देखूंगा कि भाई हो क्या रहा है, फिर देखा कि भाई जो मटेरियल अदर कंट्री से लेके आते थे ना, जो मटेरियल वाइन को बनाने के लिए अदर कंट्री से लेके आते थे, अब उसके प्राइस क्या बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो इस वाइन को छोड़ो, कुछ 6-7 साल पहले, 6-7 साल में मैं कह 10 साल पहले पेट्रोल था शायद 43 पर लीटर ऐसा था ना, तो अब किसी ने तुक्का तो भेड़ा होगा, तो हाँ बोल रहे तुक्का थोड़ा भेड़ा होगा, उसने डाटा देखे होंगे, उसने देखा भाई अदर कंट्री के अंदर ना जो क्रूड ऑयल वगैरह जो निकल धरती के अंदर से उसमें कमी आ रही है, अब बस भाई पता ना अदर कंट्री से आते हैं जो भी आते हैं, तो ये उसमें देखा भाई कमी आ रही है अब, तो अब जैसे मान लो कि सप्लाई कम हो गई धरती के अंदर से, तेल कम निकल रहा है और फिर जाएगा सप्लाई भी कम हो रही है, अगर कम निकलेगा सप्लाई कम होगी, ठीक है, और डिमांड मेरे पास जो उसकी मांग है वो तो बढ़ेगी ना। भाई देखो हर एक इंसान आजकल बाइक और कार वगैरह लेकर डोल रहा है, हर एक इंसान के पास है, तो अब देखो भाई उसे अगर चलानी अपनी कार उसकी डिमांड तो करेगा, अब एक कॉमन सेंस लगाओ, डिमांड बढ़ी तो क्या बढ़ेगा, प्राइस, अगर मांग बढ़ेगी और सप्लाई कम है, पूर्ति है ही नहीं बिल्कुल मार्केट में, तो प्राइस तो कम हो जाएगा ना, समझ रहे हो। देखो मैंने बोला कि भाई पूरे मार्केट के अंदर ये पूरी मार्केट हमारे पास है, इस ये रहा प्राइस, ये रहा क्वांटिटी, मान के चलो मेरे पास देखो, और मैं पास सप्लाई ले रहा हूँ, ठीक है, मैं सप्लाई लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ये सप्लाई है, तो अब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास सप्लाई जो है 100 है, ठीक है, सप्लाई 100 है, तो जो मेरे पास क्वांटिटी वो भी 100 होगी, बस नहीं, अब मान के चलो भाई इसका प्राइस है मान लो यहाँ पे 50, प्राइस 50 है, फिर अगर मेरे पास ऐसा हो जाता है कि भाई सप्लाई एकदम से कम हो जाती है, सप्लाई मान के चलो हो गई 40 हो गई, क्योंकि धरती के अंदर से कम निकल रहा है, लेकिन लोग जो है लोग क्वांटिटी कम नहीं करेंगे, लोगों को चाहिए चाहिए, ठीक, अब लेकिन क्वांटिटी मेरे पास 40 ही है, अगर 40 यहाँ से निकल रहा 40 तो पहुँचेगा, ठीक, अब ये जो हम 50 रुपये का बेच रहे थे, बोलेंगे भाई देखो बात ऐसी है हम बढ़ाएंगे प्राइस, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो अब क्या होता है भाई, जैसे मान लो जो ना 4-4 लीटर लेके जा रहा था, अब वो मान लो 1.5 लीटर लेके जाएगा, ठीक, तो हमने जो प्राइस कर दिया 120 रुपये, तो अपने आप वो बैलेंस हो जाता है, ठीक, तो मैंने क्या होता है कि अगर प्राइस कम है तो यहाँ पे ज़्यादा था, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी कम होगी, अपने आप समझ रहे हो सारी चीज़ क्या होती है, तो यही तो बात है, मेरे पास फैक्ट के बेस पर बोला होगा, किसी ने अगर पहले बोला हो ना भाई देखो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, देखो पता है बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि जब से मोदी आया है ना तब से प्राइस बढ़ रहे हैं, ये ब्लेम करते हैं, अब सुनो होता क्या है एक्चुअल में, इसके पीछे रीज़न क्या है, हमारी इकोनॉमी चलती है दो तरीके से, ठीक, हमारी इकोनॉमी दो कंडीशन आती है, एक होती है इन्फ्लेशन, दूसरे डिफ्लेशन, एक को बोलते हैं मुद्रा स्फीति, दूसरे बोलते हैं मुद्रा अवस्फीति, ठीक है, मुद्रा स्फीति का मतलब हमारे मार्केट में बहुत सारा पैसा सर्कुलेट हो रहा है, बहुत पैसा उतर रहा है मार्केट में, ठीक, लोग नया नया बिजनेस खोल रहे हैं, नई नई चीज़, तुमने देखा होगा, देखो कितने सारे बिजनेस खुल गए, MBA चाय वाला खुला, उसमें चाय सुट्टा मतलब कि चाय सुट्टा बार ये हो गया, ठीक, जो ओयो खुल गया, ठीक है, और जोमेटो खुला, स्विगी खुली, ये सारे चीज़ खुल गए ना, एक और आ गया ब्लिंकिट आ गया, और एक और क्या है ये ग्रोफर्स बहुत सारे आ गए भाई, तो इतने सारे नए नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा चल रहा है, अगर मार्केट में इतना सारा पैसा होगा तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं मुद्रा की मुद्रास्फीति, तो इस केस में भराई इस केस में हमेशा क्या होता है प्राइस बढ़ते हैं, जब भी मुद्रास्फीति की बात आती है प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और अगर इसका उल्टा हो जाए मुद्रास्फीति डिफ्लेशन, तो यहाँ पे भाई प्राइस अपने आप कम होंगे, देखो प्राइस कम क्यों होंगे समझो, पहली बात मार्केट में पैसा होगा नहीं, अगर मार्केट में पैसा नहीं होगा तो बिजनेस खुलेंगे नहीं, बिजनेस नहीं खुलेंगे तो लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, और लोगों के पास अगर नौकरी नहीं होगी उनके पास पैसा बहुत कम होगा, पैसा बहुत कम होगा ना, सिर्फ जिंदा रहेंगे चीज़ खरीदेंगे, अब चलो ठीक है उनके पास पैसा नहीं है तो उन्होंने सामान खरीदा जिंदा रहने के लिए, सिर्फ आटा चावल दाल खरीदा और सब खत्म, ठीक है, बाकी और चीज़ नहीं खरीदेंगे, लेकिन उन्हें भी तो अपना घर चलाना है, मान लो आइसक्रीम वाला है, आइसक्रीम की फैक्ट्री है, उसे अपना घर चलाना है, ठीक, अगर उसको अपना घर चलाना है तो उसको आइसक्रीम बेचनी पड़ेगी, भले ही मान लो महंगी नहीं बेचेगी तो प्राइस कम करेगा ना वो, देखो अपने आप प्राइस कम हो गया, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें उनके प्राइस कम हो जाएंगे, समझ में आई बात, तो ये कंडीशन मेरे पास आएगी मुद्रा अवस्फीति डिफ्लेशन की, ठीक है, फिर सुनो भाई इसमें अगला पॉइंट डाल लो,
हाँ भाई, इसमें लिखो इसके अंदर कि दीस स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू जजमेंट और ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट हाँ, इकोनॉमिस्ट को पता ना कौन था इकोनॉमिस्ट, जो मतलब अर्थशास्त्री, जो जिनको इन सबको ज्ञान होता बहुत सारा। ठीक है, देखो भाई हिंदी के अंदर, ये कथन अर्थशास्त्रियों के किसी कथन मूल्यांकन अथवा विचारों को नहीं दर्शाते। सुनो भाई, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस पॉइंट से। मैं तो पहले ही कहा था, ये सारा सारा किसके बेस पे होता है, डाटा के बेस पे और फैक्ट के बेस पे। तो इस मैंने क्या लिखवा है कि भाई इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, किसी इकोनॉमिक्स ने तुक्का नहीं भेड़ा। ये बोला कि भाई मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने पहले डाटा देखा होगा कि भाई पिछले साल पेट्रोल इतना था, प्राइस इतना बढ़ गया, फिर पेट्रोल की क्वांटिटी कम हुई, प्राइस इतना बढ़ा, फिर कम हुई, इतना बढ़ा। तो उसने पहले डाटा चेक किया होगा, तो उसने बोला अगर इसी रेट से बढ़ता रहा तो आगे जाके इतना पहुंच जाएगा। वो हमेशा जब भी कोई जजमेंट देगा वो क्या है, अपने नॉलेज के बेस पे नहीं दे रहा, वो जो डाटा है उसके बेस पे देगा। वो कभी भी अपने विचार नहीं बताएगा तुम्हें। जब भी कोई इकोनॉमिस्ट होता है वो हमेशा क्या करता है भाई, डाटा उठाएगा, उसको चेक करेगा, उसके बाद जाके बोलेगा हाँ भाई ऐसी ऐसी बातें हो सकती हैं। ठीक, कभी भी वो अपने विचार नहीं देगा। बस भाई देखो भाई, जब टेस्ट लूँगा ना मैं इसका, तो मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा तुम्हें कि भाई बताओ किस टाइप की इकोनॉमी है। ठीक है, तो इस सारी सारे पर ध्यान रखे चलना। और उसके बाद ना एक बार जो तुम्हें घर से करके लेके आना है, सिर्फ तुम्हें डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वैश्विक अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर अपने हिसाब से बना के लिख के आना, फिर मेरे को चेक करवाना है, रफ कॉपी में लिख के लेके आना है ऐसे। ठीक है, ये सारी बात ध्यान रखे चलना।